हर कोच में एक ना एक लेडीज भी है। गाइस सेंसर लग रहा है था ऑटोमेटिक ये खुल गया गाइस। ओ ये ताऊ जी आ गए। सो गाइस ये ऐसे ट्रेन दिखती है कुछ अंदर। सो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस काफी दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ मैं और भाई ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जंक्शन से एंड हम दोनों भाई फिलहाल साथ हैं और अभी वेट कर रहे हैं हम हमारे ताऊ जी आने का एंड बैग मैं साथ लेके आया हूँ। वो आ रहे हैं अभी फिलहाल जयपुर से और उन्होंने अर्जेंटली निकलना है दिल्ली के लिए तो अभी हमें बैग एक्सचेंज करना है सिर्फ ओनली इसलिए आए हुए हैं। और अभी तो फिलहाल स्टेशन बिल्कुल खाली है भाई, बिल्कुल भीड़ नहीं है स्टेशन पे, बिल्कुल सिर्फ ये मालगाड़ी खड़ी है इधर। तो गाइस हमने साथ में प्लेटफॉर्म टिकट भी ले ली है भाई, आप जंक्शन में जाते हो तो प्लेटफॉर्म टिकट जरूर लें। हम दोनों भाइयों ने तो ले ली, ये नहीं लेंगे तो भाई जूत पड़ जाएगा हमारा 2-3 हज़ार रुपये का मतलब का, तो ये जरूर लें। और गाइस अभी हमने जाना है C6 नंबर दिखा रहा है वैसे तो डिस्प्ले शो कर रहा है बट काफ़ी दूर है भाई, पीछे से आए पैदल चलते चलते फाइनली पहुंच गए भाई C6 पे। दिख नहीं रहा क्या भाई? ओह डिस्प्ले हिल रही है इसमें तो। सो गाइस फिलहाल वेट कर रहे हैं भाई एंड ऑल टाइम हो चुका है, डिस्प्ले हिल रही है भाई, मेरे फ़ोन में हिल रही है बट वैसे नहीं हिल रही है, नोट हाई हो चुके हैं। ट्रेन में ताऊ जी आ रहे हैं भाई, उसका टाइम है 9:35 एंड उसका नाम है वंदे भारत जो कि हमने नहीं देखी अभी तक, हम दोनों ही नहीं देखी भाई दोनों। ना बाहर से देखी ना अंदर से देखी, हाँ फोटोज वीडियो में तो देखी है बट आज रियल टाइम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। एक्साइटमेंट तो उसका ये ज़्यादा हमें देखने का एंड एक्साइटमेंट टू भी शेयर, हाँ तो आपके साथ भी शेयर करेंगे उसको एंड अभी वेट कर रहे हैं फिलहाल। और मेरा भाई फ़ोन भी चार्ज नहीं है बट व्लॉग में बना रहा हूँ प्रॉपर आप लोगों को दिखाने के लिए। सो गाइस फाइनल ट्रेन भी आ गई भाई, देखो आगे से देखो क्या खतरनाक लग रही है। देखो गाइस भाई बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही बिल्कुल भी, साइलेंट मोड पे एकदम गाइस, बिल्कुल साइलेंट मोड पे बिल्कुल, देखो बिल्कुल, वाह भाई क्या लग रही है यार भाई, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह लग रही है देखो। एकदम परफेक्ट जगह पर रुका है एंड अभी चलते हैं अंदर, अभी गेट बंद है बट इसका ये भी ऑटोमेटिक है गाइस, सेंसर लग रहा है ऑटोमेटिक ये खुल गया गाइस। ओ ये ताऊ जी आ गए। तो भाई सामान डाल रहे हैं ताऊ जी एंड इसमें सारा कैंटीन का सामान है। सो गाइस ये ऐसे ट्रेन दिखती है कुछ अंदर एंड भाई ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, मैं निकल लेता हूँ पहली बार। बस भाई टिकट तो पता नहीं है, वो ताऊ जी से पूछेंगे टिकट का आईडी नहीं है फिलहाल, उन्होंने टिकट करवाई थी जयपुर से दिल्ली की डायरेक्टली एंड फिलहाल अभी हमने सामान ले लिया हमारा काम के लिए आए थे और बहल अभी बाहर से देख सकते हो पूरी आप, इसमें से वैसे काफ़ी ज़्यादा भीड़ निकली है एंड उस कोच में भीड़ नहीं थी जिसमें आपको दिखाया था ना जिसमें ताऊ जी बैठे थे बट हाँ ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि देखो हर कोच में एक ना एक लेडीज भी है। तो ऐसे कोच में आप बिल्कुल बैठे, हम तो चाहते हैं हमारा कोच ऐसी जगह ही आए जहाँ सेफ्टी हो, समझे हो ना। तो अभी फिलहाल जा रहे घर, ले जाएंगे ड्यूटी सामान को लेने जाऊँगा मैं। तो भाई आप जैसे स्टेशन पर आओ तो भाई प्लेटफॉर्म टिकट जरूर लेके आना, यदि आप सामान लेने आते हो तो हम बिना टिकट आज तक नहीं आए, रिकॉर्ड है हमारा। आप निकलते भाई सीधा घर, वो लोग करते ही हैं तो यार टाइम नहीं मिल पा रहा आज से लोग करने का, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ। चलो इन्जॉय करो आप, सोच देखिए बाकी आपको रेस्ट।